17 जुलाई रविवार को आरएएस क्लब में खटीक समाज राजस्थान प्रदेश इकाई मंच ग्रुप के अधिकारी कर्मचारी महिलाओं द्वारा ग्रुप संचालिका डॉक्टर बबीता प्रसाद सामरिया व स्कूल डायरेक्टर लता खींची के नेतृत्व में श्रावण माह के इस महत्वपूर्ण पर्व पर समाज की महिला अधिकारी कर्मचारियों व आम महिलाओं को एक जाजम पर एकत्रित करने के प्रयास में एक अनूठी पहल करते हुए लहरियों महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से समाज में एकता भाईचारा परिचय के जरिए समाज को सीधा सहयोग प्रदान हो, इस विचार को प्रेरित करते हुए लहरियों महोत्सव का आयोजन किया गया। आरएएस क्लब अध्यक्ष वरिष्ठ आरएएस अजय असवाल व उनकी धर्मपत्नी अक्षिता असवाल के सहयोग से आरएएस क्लब बुक हुआ और एक भव्य मंच तैयार होकर ऐतिहासिक पल खटीक समाज के लिए स्थापित हुए हैं। साथ में बेहतरीन खूबसूरत डेकोरेशन के लिए और स्मृति चिन्ह की व्यवस्था देखने में विशेष सहयोग आईटीएस अधिकारी उमेश खींची व उनकी धर्मपत्नी बहन अंजलि खींची का भी सहयोग रहा। कार्यक्रम में महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए सीनियर आईएएस ऑफिसर उर्मिला राजौरिया, कार्यक्रम के संयोजक आरएएस रेखा समरिया, पूर्व मंत्री व विधायक दूदू बाबूलाल नागर की धर्मपत्नी सुनीता नागर, करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया की धर्मपत्नी सुनीता राजौरिया, चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की बहन अर्पिता विवाह, राजस्थान रोडवेज में डिप्टी जनरल मैनेजर अनीता बड़सीवाल, प्रिंसिपल अनीता महामना, वरिष्ठ आरएएस महेंद्र खींची की धर्मपत्नी डॉक्टर अंजना खींची, आईएएस अनूप खींची की धर्मपत्नी आशा खींची, रेलवे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर अहमदाबाद संतोष बेनीवाल, बठिंडा जिला के पंजाब से भारत गैस पेट्रोलियम के डायरेक्टर सुनीता राजौरिया, मैडम एडवोकेट रेखा जागरवाल, वरिष्ठ डॉक्टर अनुराधा एजवाल, कमला राजौरिया, AUN रितु खींची, वरिष्ठ अध्यापिका अनीता मल्होत्रा, डॉक्टर लक्ष्मी परेवा, जोधपुर से प्रिंसिपल संगीता नागौरी, पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ असिस्टेंट कोवल नाबरिया, जयपुर विद्युत विभाग निगम डिस्कॉम में AAO ज्योति बड़सीवाल, अजमेर व जयपुर से यंग सरपंच किस्मत बागड़ी, दूदू से सरपंच किरण तंबर, पंचायत समिति सदस्य रूपाली नागर, एडिशनल SP सुरेश खींची की धर्मपत्नी अनीता खींची, PF विभाग में कमिश्नर GN चावला की धर्मपत्नी गीता चावला, कोषाध्यक्ष की भूमिका श्वेता सांखला ने निभाई व अनेकों भारत सरकार व राजस्थान सरकार से AEN JEN पंचायती राज विभाग सांख्यिकी विभाग चिकित्सा विभाग शिक्षा विभाग अनेकों विभाग से समाज की महिला अधिकारियों ने आत्मीयता के साथ में इस प्रोग्राम में शरीक होकर नृत्य गीत गाकर इस कार्यक्रम विशेष उद्देश्य बताया जाए कि आगामी समाज की महिलाओं की एक कमेटी सुनिश्चित कर महिलाओं व समाज को सही दिशा में ले जाते हुए शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। असहाय व जरूरतमंद समाज के लोगों की सहयोग प्रदान की जाएगी व समाज को भी सीधा लाभ प्राप्त होगा। आज जयपुर के अंदर आरएएस क्लब में खटीक समाज की महिलाओं द्वारा नेहरू उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज जुड़े हैं खटीक समाज से उर्मिला जी राजौरिया जो IAS अधिकारी है। नमस्कार मैडम, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आज आपने इस प्रोग्राम में शरीक होकर क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? देखिए, मैं समाज के कार्यक्रम में आई हूँ तो मुझे व्यक्तित्व ये लगा कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ, वैसी ही अभिभूति होती है। बहुत अच्छा लगता है, समाज की सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, सारी बहनें हैं, सारी बच्चियाँ हैं, आप जगह देख पा रहे हैं। इस ग्रुप में सभी वर्गों की महिलाएं हैं, बड़ी भी हैं, सेवा में कार्यरत हैं, रिटायर्ड हैं, और मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो बहुत कम उम्र की यंगेस्ट एज की सरपंच भी है जो हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करती हैं इस ग्रुप में। और आयोजित दिनों में इतनी मेहनत की आप देख पा रहे होंगे कि कितना कलरफुल बहुत ही एक उत्सव के माहौल में आज का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तो मैं अपनी ओर से सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, बबीता जी हैं और अमृता जी खींची हैं, उसको मैं रिपोर्टर नाम से मिल चुकी हूँ, पर मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की, हम देख पा रहे हैं कि शायद महीनों की मेहनत का नतीजा होगा कि इतना सफल उत्सव हुआ। आज यहाँ पे लगभग 50 से अधिक महिलाएं करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि अगला जो कार्यक्रम होगा तो ये संख्या दुगनी हो जाएगी। और समाज जो है महिला टीम के मुखिया जो कार्यक्रम के संयोजक है डॉक्टर बबीता प्रसाद, बबीता जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आपने महिलाओं द्वारा लहरी उत्सव मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं
लहरिया उत्सव तो एक दिन बहाना है, बाकी लूडिस को एक दूसरे से इतनी कड़ी जोड़ने के माध्यम था। और आगे हम चाहते हैं कि इसी तरह से मिले और समाज के काम को आगे बढ़ाए, और जो आज में लेडीज का प्रोग्राम हुआ है वो आगे बढ़े, और हम चाहते हैं कि आगे भी लेडीज और ज़्यादा इससे जुड़े और कार्यक्रम को और अच्छा मिले।